प्रदेश के हापुड़ में कोचिंग पर जा रही एक बीएससी की छात्रा की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक ने छात्रा की लोहे की राड से पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। आपको बता दें कि मामला संभावली थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार ऑटो चालक और छात्रा के बीच बातचीत होती थी। ऑटो से कोचिंग जाने के दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद ऑटो चालक ने छात्रा के सिर पर हमला कर दिया। इसके बाद हत्या को एक्सीडेंट बताकर परिजनों को गुमराह किया गया। जांच में पता चला कि हत्यारोपित सुबह से लेकर शाम तक शव अपने ही थ्री व्हीलर में रखकर हाईवे पर घूमता रहा। इस दौरान आरोपित ने मृतका के परिजनों को सड़क दुर्घटना में उसकी मौत होने की झूठी सूचना भी दी। पुलिस पूछताछ में आरोपित ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जानकारी के अनुसार छात्रा को मंगलवार सुबह कोचिंग जाने के लिए उसका भाई गांव सिखेड़ा बस स्टॉप पर छोड़कर आया था। दोपहर बाद जब छात्रा कोचिंग से घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने छात्रा के मोबाइल पर कॉल की। मोबाइल गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव बदरखा निवासी एक युवक ने उठाया। युवक ने बताया कि छात्रा का एक्सीडेंट हो गया है और उसे हापुड़ के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके बाद परिजन अस्पताल पहुंचे तो छात्रा वहां नहीं मिली। इसके बाद ऑटो चालक छात्रा का शव लेकर गांव राजपुर ही पहुंच गया। शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। ऑटो चालक नूर हसन ने बताया कि मंगलवार को सुबह वह छात्रा से मिला था। किसी बात को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हो गई, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर छात्रा के सिर पर लोहे के पाने से वार कर उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर ऑटो चालक नूर हसन को गिरफ्तार कर लिया है। ट्यूशन जाती थी लड़की, ये ऑटो रिक्शा वाला इसे कहीं ले गया और किसी बात पे इनकी जो है बात बिगड़ी और इसने इसको पाना मतारा, पाना मारा मैंने इसके व्हील पाना, व्हील पाना हाँ। और जो है वो रहा भी है सबके सामने, पूछताछ करी जब उसने कुछ अभी बताया कि भी मैंने मारी है। ऑटो चालक नूर हसन को मृतका पहले से जानती थी व आपस में इनकी बातचीत होती थी। रास्ते में किसी बात को लेकर नूर हसन पुत्र जहीर ने आखिरी के सिर पर गंभीर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी। शुरू में मृतका के परिजनों को बरगलाता रहा और गुमराह करता रहा कि एक्सीडेंट की घटना बताकर। बाद में घटना खुली जिसके संबंध में थाना सिंभावली में धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.